नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने उमड़ी भारी भीड़, 20 किलोमीटर का जाम, दो महिलाओं की मौत, भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल गई। पुलिस प्रशासन से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा तक सभी बेबस नजर आए। बंद हुआ रुद्राक्ष का वितरण। अडानी समूह को मिली राहत, MSCI ने अडानी समूह की दो कंपनियों अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के सूचकांक में भरांश का निर्णय टला। असम के जोरहाट में भीषण आग, 200 से अधिक दुकानें जली, 25 से अधिक दमकल वाहन ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग से क्षतिग्रस्त हुई अधिकतर दुकानें किराने के सामान और कपड़ों की। पिछले 9 वर्षों से यूट्यूब के CEO सुसान वोजस्की का अपने पद से इस्तीफा। भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन होंगे यूट्यूब के नए CEO। वह 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, नष्ट की गई 3 संदिग्ध वस्तुओं का चीनी जासूसी गुब्बारा कार्यक्रम से संबंध नहीं, ये वस्तुएं संभवतः निजी कंपनियों का अनुसंधान संस्थानों से संबंधित थी। निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी की नेता एवं राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल। निकी हेली ने कहा, अमरीकियों का देश में नई पीढ़ी के नेता की जरूरत। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के कटरा इलाके में शुक्रवार को 3.6 तीव्रता का भूकंप का केंद्र कटरा के 97 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप से जान माल के किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक यज्ञ समारोह में भजन कीर्तन के दौरान हाथी भड़का, 2 महिलाओं और 1 बच्चे को रौदा, घटना में 3 की मौत हो गई। BBC के दिल्ली मुंबई ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे पूरा, करीब 60 घंटे चला यह अभियान। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और संचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाई। सेल्फी से इनकार करने पर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर बेसबॉल से हमला करने वाली मॉडल सप्लाई गिल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पृथ्वी शॉ और लड़की के बीच गतिरोध का वीडियो, इसमें शॉ लड़की से बेसबॉल का बैट छीनते नजर आ रहे हैं। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।